जिस सिस्टर का नाम राज है और जो सोर्सिंग के रहने वाले हैं, और जिस सिस्टर की गवाही जे जो बता रही कि 15 साल से इनको थायराइड की प्रॉब्लम थी, जिसके कारण जे बहुत परेशान थे। जे बताते कि इस प्रॉब्लम के कारण इनके गले में ऐसे घुटन महसूस होती थी और 15 साल से जे मेडिसिन खा रहे थे। जब जे सिस्टर मेडिसिन नहीं खाते थे तो इनके शरीर में ऐसे भारीपन आ जाता था, और जे बताते कि बाथरूम का बहुत ज्यादा इनको प्रेशर पड़ता था, और कभी कभी जो बाथरूम इनका बीच में निकल भी जाता था, जिसके कारण जे सिस्टर बहुत परेशान हो चुके थे और 15 साल से जे मेडिसिन खा रहे थे। और जे सिस्टर ने बताया कि जैसे जे संगति में आ रहे थे, और कुछ दिन पहले जे सिस्टर ने बताया कि इन्होंने एक सिस्टर की थायराइड की गवाही को सुना, और उसी दिन ही सिस्टर ने उस गवाही को रिसीव किया और धन्यवाद देते रहे। और जे बता रहे कि जैसे इन्होंने धन्यवाद दिया और इन्होंने उस मेडिसिन को उसी दिन ही छोड़ दिया, और आज इस सिस्टर को 20-25 दिन हो चुके जे मेडिसिन छोड़े और कोई भी इनको प्रॉब्लम नहीं आई। अभी इनको कोई भी इनके शरीर में भारीपन नहीं लगता, सांस भी नहीं चढ़ती, और जो बाथरूम का बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता था वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। जे बिल्कुल इस प्रॉब्लम से परमेश्वर ने इनको फ्री कर दिया है। इस गवाही के लिए हम सब तारीफ करेंगे। और सेकंड गवाही इनकी जय है, जे बता रहे कि 3 साल से इनको मुंकों वाली बवासीर थी, और जिसके कारण जे 2 महीने से काफी परेशान हो चुके थे। जब भी जे संगति में आते थे, जे बताते कि इनको बैठने में बहुत ज्यादा दिक्कत आती थी, बहुत ज्यादा परेशान होते थे। पर इन्होंने बताया कि जैसे ही इस गवाही को भी इन्होंने कुछ दिन पहले एक सिस्टर की बवासीर की मुंकों वाली इन्होंने गवाही को सुना, और उसी दिन उस गवाही को भी लेकर इन्होंने विश्वास के साथ रिसीव किया, और उसके लिए भी जे धन्यवाद देते रहे। और जे बता रहे कि परमेश्वर ने इस प्रॉब्लम से भी इनको टोटली फ्री कर दिया है। इस गवाही के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हम सब तारीफ करेंगे कलीसिया। और सुनो सुनो सुनो, जिसकी पकड़ अच्छी है ना, वही खड़े होते हैं आगे आगे की, वही परमेश्वर की प्रेस करते हैं, महिमा करते हैं कि हाँ खुदावंद ने, मैंने उसकी गवाही को सुना। क्योंकि इनकी दोनों गवाहियों की जो टेस्टामनी है, वो किसी की गवाही को सुनकर इन्होंने अपने जीवन में उस गवाही को लिया। क्या लिया? पहली गवाही थायराइड की, 15 साल जी, 15 साल से। हाँ, तो किसी की गवाही सुनी कि उस सिस्टर को भी थायराइड है, और अपने जीवन में उसकी गवाही को लिया और धन्यवाद किया कि परमेश्वर आप मेरी भी क्या हो, मेरा थायराइड की जो बीमारी है क्या कर चुके हो, आप दूर कर चुके हो। उस गवाही को रिसीव करने से और विश्वास करने से और धन्यवाद देने से परमेश्वर ने उस 15 साल की थायराइड की प्रॉब्लम से सब पहले क्या किया, आजाद किया। सेकंड, इनकी जो बीमारी थी 3 साल से मुक्कों वाली बवासीर, मुक्कों वाली बवासीर। देखो, जिसको ये बीमारी है नेचुरली है, जिसको ये प्रॉब्लम है उसको बैठने उठने की दिक्कत होती है क्या? क्यों जी बताओ, उन्हें माइक तो थी आपको? हाँ जी बाबा जी, 2 महीने हो गया मैं संदी जाते थे बैठा नहीं सी जाता, उसको भी यही प्रॉब्लम थी, और फिर अपने मन में उस गवाही को लिया और विश्वास किया और धन्यवाद दिया, और आज उस चीज के लिए भी ये फ्री है। क्या है बोलो? अब पकड़ चाहिए, क्या चाहिए? कुछ लोगों की याद तो वो ऐसे बैठे रहते हैं, क्या रहते हैं समझे, क्योंकि कई लोगों की पकड़ नहीं। और जिन लोगों की पकड़ है वो सुनकर है, क्योंकि विश्वास बाइबल में लिखा किससे आएगा, सुनने से आएगा, चाहे वो गवाही है चाहे खुदा का पवित्र बाइबल का कलाम है। बोलो क्या? क्योंकि गवाही भी एक वचन है खुदा का, समझ आ रही है? पर लिखा विश्वास किससे आएगा, सुनने से। इसलिए यीशु मसीह का जिसके कान वो सुने, तो जिसके कान है वो सुनेगा और विश्वास भी करेगा, हाँ परमेश्वर सचमुच तू महान है। बोलो क्या है? तू महान है, अगर तूने उसके जीवन में किया मेरे जीवन में भी करेगा, वो धन्यवाद देगा और खुदा के साथ अपना रिश्ता बनाएगा। क्या बनाएगा? क्या बनाएगा? मैंने कहा एक अच्छा रिश्ता बनाएगा, समझ आ रही है? और ये छोटी बात है, बोलो ये छोटी बात है, फिर खुदा की प्रेस उसकी महिमा कितनी होनी चाहिए आपके जीवन से। मैंने कहा आपके जीवन से कितनी कम करदा है, बोलो करदा है यहोवा, अनख कम करदा है, करदा है
हालेलुया। इनकी एक और गवाही है। एक और भी है जी। क्या बात है जी, लगता सारा विश्वास इन्होंने कर लिया। हाँ बताओ बताओ बताओ। इनकी गवाही जी है, जब इन्होंने प्रेयर टावर में कॉल की, अपनी गवाही को बताया, रात को ऐसे 10 बजे का टाइम था, तो उस समय इन्होंने बताया कि इनके, जब इन्होंने ऐसे अपनी तैयारी कर रहे थे कि आज संगति में आना है, तो इन्होंने बताया कि जब अपना सूट इन कर रहे थे, उसी समय घर में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, और उसी समय इनके जो हस्बैंड थे उनके ऊपर ऐसे दुष्ट आत्मा का अटैक आ गया, और उसी समय इन्होंने इनको बोला कि कल आप मीटिंग में नहीं जाओगे। काफी इनके साथ कलेश किया, इनको ऐसे मारने के लिए उनके चाकू भी उठा लिया। और इन्होंने बताया कि जैसे ही उन्होंने प्रेयर टावर में कॉल की, बताया कि मेरी जो गवाही है और मैं कल देना चाहती हूँ, पर ऐसे मैं आ नहीं सकती क्योंकि मेरे हस्बैंड ने ऐसे काफी ऐसे दुष्ट आत्मा का अटैक आ गया और मुझे रोक रहे हैं। तो जैसे इनको उत्साहित किया गया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि जैसे प्रभु के दास के मुख से आता है कि जब आपको रेड सिग्नल मिले तो उसे देखकर रुकना नहीं है, उस चीज को आपने आगे आना है। तो जैसे इन्होंने धन्यवाद दिया और जब संगति में आए तो जो बहुत खुश थे कि परमेश्वर ने मेरे लिए इस रास्ते को खोला और जो अपनी गवाही दे रहे हैं, इस गवाही के लिए जो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हम सबको, इनकी फैमिली को संभाल कर रखा है, इस गवाही के लिए परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। देखो शैतान को जलन होती है ना, बोलो क्या होती है, उसे जलन होती कि ये जब खुदा के लोगों के बीच जाएगी, खुदा ने इसके जीवन में काम किया, जब ये अपनी गवाहियां बताएगी तो हो सकता है इसकी गवाही को सुनकर कितने लोगों का विश्वास बढ़ेगा, कितने लोगों के जीवन में काम होगा। तो मैंने इसे आज जाने नहीं देना। क्या नहीं देना? इसलिए मैं हमेशा सिखाता हूं कि जब शैतान आपको रेड सिग्नल दे, जब भी आपको रोके, फिर आप ज्यादा हो, पैसे नहीं है, भीस ढालने के लिए नहीं है, मीटिंग में आने के लिए नहीं है, ज्यादा आओ। क्या हो? ज्यादा हो। अगर बोने से शैतान आपको रोक रहा है, मैं यही चीजें करता हूं, तो ज्यादा करो। अगर ज्यादा ब्लेसिंग चाहते हो तो ज्यादा करो, क्योंकि शैतान रोकता है, आपको नहीं पता। बोलो क्या है? इसीलिए कहा आत्मिक इंसान समझेगा, शारीरिक नहीं। क्यों? क्योंकि उसका मन किस पे लगा रहेगा? संसार की चीज में। पर जो आत्मिक है वो जानता है इसमें मेरी ब्लेसिंग है, और वो आएगा। बोलो क्या आएगा? वो आएगा। आमीन।